अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश मर्तोलिया द्वारा कपकोट में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता के बालक वर्ग में राजकीय इंटर कॉलेज कपकोट प्रथम तथा बागेश्वर की टीम द्वितीय स्थान पर रही। बालिका वर्ग में केदारेश्वर स्टेडियम कपकोट प्रथम तथा बागेश्वर की बालिकाएं दूसरे स्थान पर रही। समापन समारोह के मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट ने विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किया। आयोग के उपाध्यक्ष गणेश मर्तोलिया ने भी विजेता व उपविजेता सहित सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। तीन दिवसीय इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हमारे ब्लॉक स्तर पर आठ विद्यालयों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से विजेता टीम कपकोट और उपविजेता बागेश्वर। मैं इन छात्रों का तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और बालिका वर्ग में केदारेश्वर की बालिका वर्ग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान बागेश्वर। ये बालिकाएं भी जो हैं उज्ज्वल भविष्य इनकी भी मैं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एवं वर्तमान में SC ST आयोग के बहुत ही सम्मानित उपाध्यक्ष माननीय श्रीमान गणेश मर्तोलिया जी के सौजन्य से वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। यह वॉलीबॉल प्रतियोगिता जिले के लगभग समस्त विद्यालयों में आयोजित की गई। बहुत सुंदर खेल भावना का परिचय बच्चों ने दिया और उनका कहना ये था कि जो भी बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, खेल के साथ साथ अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। और उनके द्वारा संभवतः 10 तारीख से यहाँ पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा गया है। और सभी से निवेदन है, सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम का भी लाभ उठाएंगे। सबसे पहले तो हम मर्तोलिया सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने खेल भावना को आगे बढ़ाने के लिए जो तीन दिवसीय खेल था उसको आयोजित किया और कार्यक्रम सफल भी रहा, क्योंकि बहुत जगह से हमारी बहुत सारी टीमें भी आई थी, चाहे बॉयज़ की हो या गर्ल्स की हो। तो हम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि हमें थोड़ा बहुत, क्योंकि इस बीच लॉकडाउन कोविड की वजह से, क्योंकि थोड़ा घर में ही सब बंद जैसे रहते थे, तो थोड़ा हमें खेलने का मौका मिला, थोड़ा खुलने का और थोड़ा सा मतलब बाहर निकलने का मौका मिला, तो इसलिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। काफी अच्छा लगा है लोकल टूर्नामेंट, आगे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए जो टूर्नामेंट कराया, हम चाहते कि आगे भी ऐसी टूर्नामेंट हो। काफी अच्छी अच्छी टीम है, उनकी से ज्यादा गांवों की टीम आई, इनको बाहर आकर मौका मिले बाहर खेलने का, उनको लगे कि कैसा टूर्नामेंट होता है, बस ये कहेंगे और आगे अच्छे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं। देखिए ओलंपिक खेलों में भी बेटियाँ जो कि आगे आ रही है, तो उन बेटी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर काफ़ी लोग कहते हैं कि बेटी कुछ नहीं कर सकती और आज इस टाइम पे मेडल आधे से ज़्यादा बेटियों ने निकाल रखा है, तो बस यही कहना चाहेंगे कि बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है, बस उसको आगे आने का मौका मिले हर जगह से, खास करके आधे गांवों में जो अच्छे अच्छे खेल मतलब खेल चुकी है, कहीं कहीं बाहर आती है, जैसे एथलीट में आती है आधे से ज़्यादा गाँव के लड़कियाँ, काफ़ी अच्छा दौड़ती है मगर उनको वहाँ से मौका नहीं मिलता बाहर आने का। अच्छे अच्छे ग्राउंड खुल जाए और जो इसमें भी थोड़ा बहुत फैसिलिटीज मिल जाए ताकि बच्चे यहाँ से भी आगे बढ़े स्टेट और नेशनल खेल के लिए। आदरणीय गणेश मर्तोलिया जी के सहयोग से हमारे केदारेश्वर मैदान में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से आज दो दिन से लगातार ये टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें बालिका वर्ग और बालक वर्ग दो सेशनों में यह मैच चला है और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ियों जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और आदरणीय मर्तोलिया जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और आभार भी व्यक्त करूंगा कि आपके द्वारा क्षेत्र की प्रतिभाओं को एक जो मंच देने का काम किया है। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की प्रतिभाएँ इतनी बढ़िया हैं कि वो उत्तराखंड स्टेट लेवल पर जरूर इस कपकोट का नाम रोशन करेंगी। एक बार मैं पुनः सभी अपने विद्वान शिक्षक गणों और सभी प्रतिभा कर रहे इन खिलाड़ियों की तरफ से आप सब लोगों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।